द्वंद्व में एक तरफ तो आप हैं, दूसरी तरफ कौन है? जो सही मैं है उसको जिताइएगा। जब मैं और मैं का द्वंद्व हो तो सही मैं का पक्ष लेना। द्वंद हो नहीं जाता, द्वंद पता चलने लगता है। द्वंद तो अनवरत है। हाँ, उसका हम संज्ञान लेने लगते हैं। जैसे कोई चीज पहले अंधेरे में हो रही हो और फिर उजाले में होने लगे तो उसका पता लगने लगा। ऐसा नहीं कि वो चीज ताजी ताजी होनी शुरू हुई है, हो तो वो लगातार रही है, उसका पता लगने लगा। ये देखो अध्यात्म के रास्ते पर अक्सर होता है और इससे जरा सावधान रहना। भीतर का जितना भी कलुष होता है, जितने द्वंद्व होते हैं, भीतर की जो पूरी मारामारी सड़ांध जो छुपी रहती है आम तौर पर, वो जब आत्मज्ञान की रोशनी पड़ती है तो उजागर हो जाती है, प्रकाशित हो जाती है। वो प्रकाशित कब हुई? जब आत्मज्ञान की, अध्यात्म की रोशनी पड़ी। वो थी कब से? वो थी सदा से। लेकिन आपको उसका पता ही कब चला? अध्यात्म की प्रक्रिया के प्रारंभ के बाद। तो आपका निष्कर्ष क्या निकलता है? ये सारी गंदगी, ये सारा द्वंद्व, ये सब गड़बड़ अध्यात्म ने करी है। और अपनी नजरों में आप ठीक हो, क्योंकि अध्यात्म के बाद ही आपको उन सब बातों का संज्ञान होना शुरू हुआ, आपने उन्हें रिकग्नाइज करना शुरू किया। नहीं, पहले तो वो सब चुपचाप पड़ी हुई थी, या तो अंधेरे में थी वो सारी गतिविधि, या फिर वो सारी गतिविधि बीज रूप में थी। अभी उसने पंख पत्ते ही नहीं फैलाए थे, अब वो पल्लवित हुई है, अब जरा बड़ी दिखाई दे रही है, पौधा वृक्ष हो रहा है। तो अब लगता है कि ये सब अध्यात्म नहीं करा है, और ये मानने में अहम को बड़ा मजा भी आता है। क्यों? ये कैसे मान ले कि हम सदा से ही इतने कुत्सित थे? बड़ी असहनीय बात हो गई भाई, हमसे क्या मानने को कहा जा रहा है कि बेटा तुम हमेशा से ऐसे ही थे, बस अभी अभी ये उजागर हुआ है कि तुम सदा से कैसे थे। तो हम उससे भला ये सोचते हैं कि चलो सारा दोष डाल दो अध्यात्म पर ही, कि इसी ने सब कलह मचाई है, इसी ने कलह मचाई है, तो बंद करो। जो चीजें देखने में अच्छी ना लगती हैं उन पर रोशनी काहे को डालो? होता रहेगा काम अंधेरे में, हमें कहां पता चलेगा? घर के नीचे गटर बह रहा है, हमें क्या मतलब? यह रहता है, आप तो फ्लश करके चले आते हो, उसके बाद क्या मतलब कि सारा मल कहां गया? तो आदमी अपने दिमाग को भी शौचालय की तरह ही इस्तेमाल करना चाहता है, कहता है बस आंखों के सामने से मल हट जाए, आंखों के सामने ना रहे, फ्लश कर दो, उसके बाद वो कहां गया हमें कोई लेना देना नहीं। अब वो गया और कहीं नहीं है, कहां गया है? तुम्हारे घर के नीचे गया है, वहीं बजबजा रहा है, सीवेज में चल जाता है, कोई हानि नहीं होती, वो नीचे अपना पड़ा है तो पड़ा है, कोई बात नहीं। मन में नहीं चलता, मन में सतह पर चैतन्य तल में जो कुछ है, अगर तुमने उसको फेंक दिया नीचे कहीं तहखाने में,
तो वो नीचे छुपा छुपा और ताकतवर हो जाएगा, और ताकतवर, और वो पूरी तुम्हारी जिंदगी पर कब्जा ले लेगा छुपे छुपे। कौन सा दुश्मन ज्यादा खतरनाक है? छुपा। तो अध्यात्म में पहला काम यह होता है कि छुपे दुश्मन को सामने लाओ। अध्यात्म तुम्हारा दुश्मन पैदा नहीं करता, वो तुम्हारे छुपे दुश्मन को सामने लाता है। ये मत समझ लेना कि अध्यात्म ने वो दुश्मन पैदा किया है कि बड़ा द्वंद आ गया है, हाँ बस उजागर कर दिया। तो फिर शुक्रिया कि सामने ला दिया, नहीं तो इस दर्द से गुजरना पड़ेगा। बिल्कुल मजबूत होकर गुजर जाइए, मज़ा भी आने लग जाता है। इस दर्द के मज़े भी बहुत हैं। आंशिक है, मिश्रित है, अपूर्ण है, अपूर्ण है। सांझ को हम बात कर रहे थे ना कि शराबी चुनता है कि और पी लूं और एकदम ही बेहोश हो जाऊं। तो तुम पूछो ना कि ये कैसा होश है जो चुन रहा है बेहोशी को, क्योंकि होना तो ये चाहिए कि होश निरंतर होश को ही चुने, होश के और ऊंचे शिखरों को चुने उसकी जगह। ये कैसा होश है जो बेहोशी को चुन रहा है? ये मिश्रित होश है, ये मलिन होश है, ये विकार युक्त चेतना कहलाती है। ये विकार युक्त चेतना है तो इसको अब चुनना है चैतन्य को और विकार को, तो हो सकता है ये विकार को ही चुन ले। तो इसीलिए ये अनूठी घटना घट जाती है कि होशमंद आदमी भी अपने होश के रहते हुए भी चुन लेता है बेहोशी को। नहीं तो ये बताओ फिर ये कैसे होता कि तुम यहां से उठते शांति में और ध्यान में और उसके आधे घंटे बाद अशांत हो जाते? अगर तुम शांति में उठे हो तो शांति के प्रवाह में कोई तो ऐसा बिंदु आया होगा ना जब शांत 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 रहते रहते तुमने चुन लिया होगा अशांति को। वो शांति जो अशांति को चुन ले कहलाती है अपूर्ण शांति। वो शांति तो है पर उसमें अभी अपूर्णता के बीज हैं, वो बीज फूट पड़े। तो फिर ये ऐसे जैसे सुबह धीरे धीरे होती, अंधेरा धीरे धीरे, हाँ 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 एकदम, ये ऐसा ही है कि जैसे तुम यू टर्न लेने की जगह गोल चक्कर पूरा घूमो, नतीजा क्या हुआ दोनों में? नतीजा तो एक ही हुआ ना, और बहुत बड़ा गोल चक्कर है उसमें, तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगेगा कि तुम यू टर्न ले रहे हो, तुम्हें तो लगेगा कि करीब करीब सीधे ही जा रहे हैं, करीब करीब बस थोड़ा थोड़ा मुड़ रहे हैं, और थोड़ा थोड़ा मुड़ते मुड़ते थोड़ा थोड़ा मुड़ते 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 तुमने पाया कि तुम 180 डिग्री मुड़ गए, पता नहीं चला। ये काम करती है विकारयुक्त चेतना, क्योंकि उसमें थोड़ी थोड़ी मिलावट है तो इसीलिए वो थोड़े थोड़े मिलावटी निर्णय लेती जाती है। चलना चाहिए सीधे, वो सीधे चलने में थोड़ी सी मिलावट कर देती है, तो सीधे चलने की जगह उसने क्या मिलावट करी, चलो ना 5 डिग्री मुड़ लेते हैं, ज्यादा नहीं मुड़ रहे भाई, 5% की मिलावट है तो 5 डिग्री मुड़ लेते हैं, फिर थोड़ा बढ़े 5 ही% की मिलावट है तो 5 डिग्री और मुड़ लेते हैं, 5 डिग्री और जो यात्रा हो रही थी होश की ओर 180 डिग्री, वो यात्रा मुड़ गई बेहोशी की ओर, होश ने चुन लिया बेहोशी को। लो, होश ने चुन लिया बेहोशी को धीरे धीरे, तुम्हें पता भी नहीं लगा, तुम्हें तो यही लगा कि हम बस थोड़ी सी रियायत ले रहे हैं,
जैसे कहते हो ना कि बस आए अभी हम 2 सेकंड में, वो 2 सेकंड का कितना हो जाता है, थोड़ी सी रियायत। इसीलिए साधना में सटीकता बहुत जरूरी है। 5 माने 5 ही होना चाहिए, 4.8 नहीं, न 5.1। लगातार। जीवन को एक अविभाज्य इकाई जैसा देखिए, अलग अलग उसके हिस्से मत करिएगा। जब भी जरा भी विमुख होंगे, जब भी सधे मार्ग से, साधना के मार्ग से जरा भी विचलन होगा, डिविएशन होगा, वो जुड़ता चला जाएगा, वो एक्यूमुलेटिव हो जाता है। इतना अभी मुड़े, फिर सीधे चले, इतना अभी मुड़े, ये देख रहे हैं ना क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, पहले का मुड़ना, फिर दोबारा मुड़ना, फिर तिबारा मुड़ना, चौबारा मुड़ना, ये हर बार हो सिर्फ 5 डिग्री रहा है, पर ये संग्रहित होता जा रहा है, ये एक्यूमुलेट कर रहा है, अभी कुल मिला के बहुत हो जाएगा। और लगता हर बार यही है कि थोड़ा सा ही तो किया, वो थोड़ा सा जो तुमने किया वो पिछली बार की खुराफात के ऊपर किया। गणित की भाषा में कहूं तो ये एक्सपोनेंशियल इफेक्ट हो जाता है। भाई 10 बार तुमको कोई काम करना चाहिए था, मान लो तुम्हारी साधना का अंग है, और तुमने जरा सी कन्नी काट दी, तुमने 9 ही बार किया, तो तुम्हारी दृष्टि में तो 10 और 9 में कितने का ही अंतर है, ठीक। और फिर तुमने यही किया तो फिर तुम्हारी दृष्टि में कितने का अंतर है, अध्यात्म की दृष्टि में अब अंतर हो गया है 100 और 81 का, क्योंकि 9 के ऊपर तुम पुनः 9 कर रहे हो, जबकि होना चाहिए था 10 के ऊपर 10, तो पहुंचना चाहिए था 100, पहुंचे सिर्फ। तुम तो कह रहे हो कि बस इतनी सी कसर रह गई है, 1 इकाई पीछे छूट गए, 1 इकाई नहीं, 19 का अंतर आ चुका है। अब एक बार फिर करके देखो कितने का हो गया, कितना हो गया, कितना हो गया, 1,729, कितने का अंतर आ गया, 271। तुम 27% पीछे हो गए, और अपनी नजर में तुम क्या कह रहे हो कि नहीं हम तो थोड़ा, जैसे बताते हो ना कि बस आ ही गए 2 मिनट में, वो 2 मिनट का 6 मिनट हो जाए क्या फर्क पड़ता है, वैसे 10 का तुम्हारा 9 हो गया कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो फर्क पड़ता जा रहा है, और भी जरा और आगे बढ़ो देखो कितना फर्क पड़ेगा। समर्पण का अर्थ होता है गलत चुनने के अधिकार को समर्पित कर दिया। गलत चुनने का मन तो करता ही रहता है ना, जब पता भी हो कि सही क्या है तो भी निर्विकल्पता तो नहीं आ जाती, गलत विकल्प तो तब भी सामने लटकता ही रहता है और ललचाता रहता है। जब पता भी हो कि क्या सही है तब भी गलत विकल्प देखा है कितना आकर्षित करता है, करता है कि नहीं। तो समर्पण का मतलब होता है कि मैंने अपना ये विकल्प ही छोड़ दिया कि मैं गलत को चुनूंगा, मैंने अपना ये हक ही खत्म किया कि मैं गलत को चुनूंगा। और वो हक खत्म करना जरूरी है क्योंकि गलत विकल्प मौजूद तो लगातार है, कितना भी साफ साफ बताओ कि सही क्या है, गलत तो बड़ा लुभावना होता है, एक लहर तो बनी ही रहती है कि निकल लो गलत की ओर। हाँ,
तो समर्पण का मतलब है कि उस लहर की ओर जाने के अपने हक को मैंने समर्पित कर दिया। अब उस बटन को कभी उंगली दबा नहीं सकती। हक है मेरे पास कि मैं वो बटन दबा दूं, गलत बटन दबाने का हक है, उस हक को ही मैंने त्याग दिया। और अगर ईमानदारी से उस विकल्प को त्यागे रहो तो लाभ ये होता है कि शने शने वो विकल्प दिखना ही बंद हो जाता है। इसे निर्विकल्पता कहते हैं कि गलत विकल्प धुंधला होना शुरू हो गया है। गलत विकल्प अब उतनी जोर से आवाज नहीं देता जैसे पहले देता था। गलत विकल्प की प्रासंगिकता और प्रायिकता दोनों कम होते जा रहे हैं। पहले तो यह होता था कि गलत ही गलत नाचता था, सही को खोजना पड़ता था कि सही क्या है। अब यह है कि सही ही विद्यमान रहता है, गलत कभी कभार अपनी उपस्थिति दर्ज करा देता है। ये आप निर्विकल्पता की ओर बढ़े। संतों की हालत फिर ऐसे ही चलते चलते यूं हो जाती है कि गलत उनके सामने आना ही बंद कर देता है, कहता है इनको ललचाने से कोई लाभ ही नहीं, इन्होंने तो हमें चुनने का विकल्प ही छोड़ दिया है, तो ये हमें कभी नहीं चुनेंगे, इनके सामने जाना व्यर्थ है। जो लहर छोटी हो रही है वो कभी हाँ मिट जाएगी, मिट जाएगी, पर आप इस उम्मीद में मत रहिएगा, आप तो सतर्क ही रहिए, क्योंकि अगर आपने ये उम्मीद बना ली कि ये लहर एक दिन मिट जाएगी तो फिर आपको समर्पण न करने का बहाना मिल जाएगा। आप तो यही मानिए कि गलत विकल्प हमेशा मौजूद रहेगा और हमेशा ललचाता रहेगा, तो तब आपको आवश्यक दिखेगा कि भाई खतरा लगातार है, क्योंकि गलत विकल्प लगातार है, तो उस गलत बटन को दबाने के हक को कहीं छोड़ाओ, उस गलत बटन को दबाने के हक को कहीं और जा करके छोड़ाओ, गंगा में बहाओ, तो अब गलत बटन कभी दब ही नहीं सकता। यही समर्पण है, कहीं जा करके छोड़ाओ कि जहां से वापस लेने का तरीका ना रहे। अपनी तिजोरी में मत रख देना, क्यों फिर तो किसी भी दिन जाओगे और खुद ही निकाल लाओगे, तो उसे ऐसी जगह छोड़ के आना है जहां से वापस ना मांग सको। तो इसीलिए फिर यह नहीं कहा जाता कि सिर्फ छोड़ दिया कि त्याग दिया, फिर कहा जाता है समर्पण। समर्पण का मतलब है ऐसी जगह रखा है कि जहां आप वापस मांगने जाओगे तो पिटाई पड़ेगी। भाई गलत चीज का विकल्प छोड़ आए थे गुरु के पास, अब जाकर के उससे क्या कहोगे कि वो जो हमारी गलत वाली चीज थी जरा लौटा दीजिए, उससे कह ही नहीं पाओगे ना। तो अब समर्पण हुआ। यही तुम अपने किसी दोस्त यार के पास रखाओ, वो अपना गलत विकल्प, तो जब जी चाहे पहुंच जाओगे मांगने के लिए कि जरा देना वापस देना, एक बार आजमा के फिर वापस लौटा देंगे, ये कोई बात नहीं हुई। फिर आचार्य जी मन में तो रहता है कि उस जगह पर गलत विकल्प रखा हुआ है। हाँ रखा हुआ है, जाएं जरा लेके आ जाएं। कौन सा रोज रोज इस्तेमाल करते हैं, एक आध बार बीच बीच में स्वाद ले लेने में क्या हर्ज है। इस तरह के तर्क आएंगे तो भला यह है कि उसको बहा दो, ताकि फिर जब मन भी उठे तो उसे पाओ नहीं, मन भी उठे कि जाकर के ले आए तो पाओगे नहीं, गंगा उसको ले गई, या गुरु के पास दे आए थे गुरु ने उसको जला दिया, या गुरु अपने पाँव के नीचे उसे रख के बैठा हुआ है, तुम क्या करो, गुरु से कहोगे कि जरा पाँव उठाइए, नीचे हमारा नशा पड़ा हुआ है भांग की गोली।